हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ट्यूब में। तो आज की जो कहानी है वो है जीन हॉरलो हाउस के बारे में, जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। लॉस एंजलिस प्रेतवादी शिकार के लिए सबसे खतरनाक स्थलों में से एक है, और बेवरली हिल्स में इस बेवरियन शैली के घर का विशेष रूप से एक भीषण इतिहास है। 1932 में यह प्रतिष्ठित अभिनेत्री जीन हार्लो और उनके पति पॉल बर्न का घर था, जिन्होंने आईने के सामने खड़े होकर खुद के ही सिर में गोली मार ली थी। उनके बटलर ने उन्हें खोजा और पुलिस के बजाय MGM को फोन किया, इसलिए कई अफवाहें थी कि यह वास्तव में आत्महत्या थी कि नहीं थी। कई लोगों ने बर्न की पूर्व प्रेमिका पर भी संदेह किया। जीन अपने पति की मृत्यु के बाद बाहर चली गई, लेकिन कुछ साल बाद ही 26 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रुकी, ये डरावना हो जाता है साल 1963 में। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जे सैमरिंग ने घर खरीदा और अपनी प्रेमिका शेरॉन टेट के साथ वहाँ रह रहे, और कुछ ही समय के बाद जे सैमरिंग और शेरॉन टेट चार्ल्स मैनसन पंथ द्वारा उन दोनों की हत्या कर दी गई। टेट भी उसी उम्र की थी जब हार्लो की उम्र थी। लेकिन जब ये जोड़ा हार्लो हाउस में रहता था, टेड ने कई दोस्तों को घर में होने वाली खौफनाक घटनाओं के बारे में बताया, और यहाँ तक के इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया। उदाहरण के लिए, एक बार जब वह अकेले मास्टर बेडरूम में सो रही थी तो उसने एक डरावना छोटा आदमी देखा। उसकी सहेली का कहना है कि वह मानती थी कि यह पॉल बर्न का ही भूत है। जब उसने भूत को देखा तो वह इतना घबरा गई कि वह अपने कमरे से बाहर भागी, और फिर उसे लॉन में एक लटकी हुई छायादार लाश दिखी जिसका गला काट दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में स्विमिंग पूल में दो अन्य लोगों के मरने की भी बात कही जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मानते कि बहुत ही छोटी कहानी थी, लेकिन इस तरह की कहानियाँ मैं और लाता रहूँगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।